नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी रिज़ल्ट रुकते क्यों नहीं है, क्यों हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 साल 3 साल के बाद अगेन वही सिचुएशन आ जाती है जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसके पीछे की वजह समझो। आपने ट्रांसप्लांट क्यों कराया था? इसलिए कराया था कि हेयर लाइन रिसीड कर रही थी, सामने का एरिया बॉल्ड हो गया, बॉल्ड होने के बाद उम्र अपनी ज़्यादा लगने लग गई, तो आपने जो एरिया बॉल्ड हो चुका था वहाँ पर आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया, राइट। अब ट्रांसप्लांट करवाए चाहे नहीं करवाए, ट्रांसप्लांट तो एक रिपेयर का प्रोसेस हो गया ना, कि जहाँ पे आपके बाल झड़ चुके हैं वहाँ पे हमने और लगा दिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बाल हैं आपके, जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं, उनके झड़ने की जो स्पीड है अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका ट्रांसप्लांट वाले रूट्स कुछ हद तक बचे रहेंगे और पीछे वाले चले जाएंगे, अगेन एक और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत रहेगी। तो अपने हर क्लाइंट को, हर बंदे को हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि पहले अपना हेयर फॉल कंट्रोल करो, हेयर फॉल जैसे आपका कंट्रोल हो जाए फिर ट्रांसप्लांट की तरफ चलो, और आफ्टर ट्रांसप्लांट शुरू का 8-9 महीना प्रॉपर अच्छे से PRP ट्रीटमेंट्स हैं, डर्मा रोलर है, जैसा आपको गाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल उसको आप फॉलो करो, और मेडिसिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब सुबह उठ के रोज ब्रश भी तो करते हो ना, एक आदत है, हमें पता है कि हमें सुबह उठ कर एक स्टैंडर्ड हमारा एक बना हुआ रूटीन के हमें ब्रश करना है, तो ऐसा हम हेयर के लिए क्यों नहीं कर सकते कि रात को हम सो रहे हैं और सोने से पहले हमें एक सबकॉन्शियसली एक मैसेज आएगा भैया सीरम नहीं लगाया, तो सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है। वो हैबिट अगर हमारी एक इसमें आ जाती है लाइफस्टाइल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एग्जिस्टिंग जो आपका बाल हैं वो भी बचे रहेंगे, ट्रांसप्लांटेड रूट्स भी ठीक रहेंगे। तो इस थ्योरी में बिलीव करना कि देखो जी मेरे परमानेंट एरिया से ये रूट्स आई हैं और इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ये स्टे करेंगी करेंगी, बहुत गलत कंसेप्ट है। मेरे पास एक नहीं, ये समझिए आप कि 100 से 150 क्लाइंट्स का ऐसा डेटा है जिसमें प्रॉपर हमने जो अल्टीमेट सेफ एरिया है वहाँ से रूट्स एक्सट्रैक्ट करके और प्लांट करिए, और 3 to 4 years के बाद जो ट्रांसप्लांटेड एरिया था वहाँ पे ज़बरदस्त थिनिंग हुई। सिर्फ इतना कि क्लाइंट ने कुछ भी यूज़ नहीं किया, टेकिंग दिस कंसेप्ट इन माइंड के तो मेरी परमानेंट जोन से, तो बहुत ज़्यादा थिनिंग हुई। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% केसेस में ऐसा होता है, बट कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी अननोन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 65-70% लोग तो ठीक रहते हैं, पर 30-35% लोगों के बीच में समस्या आती है। वो जो 30-35% लोग हैं हमें नहीं पहले मालूम होता कि वो आप किस कैटेगरी के अंदर लैंड करने वाले हैं, तो इसके लिए बेस्ट ये रहता है कोई चांस ना लें, इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट अपना जो मेडिसिन का शेड्यूल है वो प्रॉपर कंटिन्यू रखें, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। पहली चीज़ ये। सेकेंड, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस ज़रूर रखो, बाल एक आखिरी चीज़ है जिसकी शरीर को ज़रूरत है, तो आपकी नींद, डाइट, एक प्रॉपर स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस फ्री तो खैर नहीं हो सकते बट स्ट्रेस को कम किया जा सकता है मेडिटेशन से, योगा से, लाइफस्टाइल के अंदर जितना हेल्दी आप चेंजेस कर सकते हैं वो ज़रूर कर लीजिए। तो ट्रांसप्लांट एक इवेंट होता है, अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ यहाँ से लाइफ का ना एक आपका एक नई जर्नी, एक नया आपका दौर शुरू हो रहा है, तो इसमें आप वेट रिडक्शन कर सकते हैं, अपनी हेल्दी हैबिट्स अपने साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें करेंगे तो अल्टीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली टिकेगा, आपके एफर्ट्स के ऊपर है। अब सिंपल से एक एग्जांपल लो, ऋतिक रोशन है, उसकी कितनी सिवियर जीन्स हैं बॉल्डनेस की, लेकिन उन्होंने पूरा अपना लाइफस्टाइल, हर एक चीज़ इस तरीके से उन्होंने शुरू से रूटीन पकड़ा कि भैया मेरी जीन्स तो स्ट्रांग है ही हैं बॉल्डनेस की, है ना, फादर वाली साइड से भी हैं और मदर वाली साइड से भी हैं। तो अभी क्या कि ही इज़ वेरी पर्टिकुलर, सीरम्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, PRP है, वो सारी हर एक चीज़ का उन्होंने अपना एक बजट फिक्स किया हुआ है, उतना उन्होंने अपने हेयर पे स्पेंड करना ही है। खैर मैं इतना नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अपने को इसमें रॉकेट साइंस है और कि बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं, मान के चलो महीने का 600-700 रुपये आपको एक रेगुलर अगर आप खर्चा करते रहेंगे अपने बालों के ऊपर तो रिजल्ट आपका टिका रहेगा। और मेडिसिंस का देखो, जो सबसे पहली चीज़ या जो कॉमनली आपके पास अवेलेबल रहती है, हर शॉप पे आपको मिल जाती है, वो है मिनोक्सिडिल। तो 8 महीने तक रेगुलर एक बार यूज़ कर लो मिनोक्सिडिल को, 5% मिनोक्सिडिल यूज़ कर लो, और डोज रहती है इसकी 1 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग।
अच्छा, मिनोक्सिडिल के अंदर भी ना आगे बहुत सारी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, कई फोम हैं, एक्वस बेस्ड है, वाटर बेस्ड जिसे बोलते हैं, अल्कोहल बेस्ड है। अगर आपको अल्कोहल बेस्ड सूट नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लेकिंग ज़्यादा है, इरिटेशन होती है, ख़ारिश होने लग जाती है, तो आप मिनोक्सिडिल छोड़ने की बजाय उसका जो फार्मूलेशन है, जो उसकी प्रेपरेशन है, उसे चेंज करके देखो, यूज़ करो, और 7-8 महीने रेगुलर यूज़ करो, सुबह शाम 1 ml मॉर्निंग, 1 ml इवनिंग, और इफ़ पॉसिबल पेप्टाइड्स यूज़ करो। जैसे एक नियोग्रो सीरम है हमारा, बहुत अच्छा उसका कंपेटेबिलिटी है ट्रांसप्लांट के साथ, वो यूज़ करो। नहीं, अगर उसकी अवेलेबिलिटी, अगर बहुत दूर रहते हैं आप, या तो मिनोक्सिडिल है, उसके अलावा रिडेंसिल, प्रोकेपिल, एनागेन, कैफीन के भी सीरम्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर एक बार स्टार्ट करो, जो आपको सूट करता है वहाँ स्टार्ट करो। हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, और अगर सीरम्स नहीं हैं अवेलेबल, जैसे पीछे भी लॉकडाउन में ऐसी हालात आ गई थी कि ट्रांसप्लांट किया हमने और उसके तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद आपका लॉकडाउन हो गया, तो ऐसा नहीं करें। कुछ लोगों ने क्या है कि अपने आप ऑयल लगाने शुरू कर दिए, कोई सरसों का तेल लगा रहा है, कोई ऑलिव ऑयल, ऐसा नहीं करें। उस केस में बेस्ट रहता है कि डर्मा रोलर, एटलीस्ट डर्मा रोलर, बहुत लाइट प्रेशर के साथ डर्मा रोलर, बहुत लाइट, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना उसको, लाइट प्रेशर से अल्टरनेटिव नाइट्स, एक रात छोड़ के एक रात डर्मा रोल करते रहो, कुछ भी अगर नहीं है तो, ठीक है ना। डर्मा रोलर से भी एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज बॉडी को जाता है कि भैया यहाँ हमें ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला फंडा तो है ही है। बट ये ध्यान रखना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं। मैं हर एक बंदे को बोलता हूँ कि भैया ये तब तक चलेगा आपका जब तक आप इसमें एफर्ट्स डाल के रखोगे, वरना ट्रांसप्लांट कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, है ना। होती भी है 60-65%, जैसा मैंने बताया लोगों में होती है, बट थिनिंग तो उनमें भी आती है। अगर वो कुछ यूज़ नहीं करेंगे या स्टिमुलस नहीं देंगे, मेडिसिन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो थिनिंग उनमें भी आएगी। तो टू प्रिवेंट दैट, जैसा आपका 7-8 महीने पर रिजल्ट है, उसी को आगे अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो मेडिसिन ज़रूर यूज़ करो। मिनोक्सिडिल हो गया, पेप्टाइड्स हो गए, ऑयल से बच के रहो। तेल जो है, मैं एक और वीडियो बनाया हुआ मैंने हेयर ऑयल पे, तेल हमारे सिर्फ बालों की सरफेस के लिए है, स्ट्रैंड्स के लिए है, जड़ के अंदर आपने ऑयल नहीं डालना है, स्कैल्प के ऊपर तेल नहीं लगाना है। बहुत गलती करते हैं लोग, वो सरसों का तेल एंड सब आपके स्कैल्प के अंदर, रूट्स के अंदर वहाँ डाल देंगे, तो वो ऑलरेडी सारा मेस हो जाता है, नीचे आपका जो जितना सरफेस है उसके ऊपर फंगस और फिर पीएच, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वैसा नहीं करना, राइट। तो जब भी ट्रांसप्लांट कराओ, अवेयरनेस के साथ करवाओ। ऐसे नहीं है कि गए फटाफट रेट पूछा और ना डॉक्टर का पता है, ना कुछ आइडिया है, कुछ भी किसी से भी आपने बात कर ली और फाइनली आपने डिसीजन ले लिया कि चलो जी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, एंड देन फिर ठीक है जी, परमानेंट है जोन आपकी और ये बाल कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करना। अवेयर होके करो, मेडिसिन यूज़ करो। आपने करवा भी लिया है ट्रांसप्लांट और स्टिल आपको नहीं मालूम कि कैसे करना है, तो हमें एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ठीक है। आपकी जो भी कंडीशन है, अगर आपको लग रहा है 8-9 महीने के बाद भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़रूर हम हेल्प करेंगे। स्टे कनेक्टेड और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, पूरी कोशिश करेंगे आपको उसके बारे में गाइड करने की कि आप ट्रांसप्लांट के बाद किस तरीके से इसको आपने आगे लेके जाना है।